Now we will discuss final exam of St. Anne's. Here are some instructions. So move on to first question. Solve for x. 2x plus 5 upon 3 is equal to 26 upon 3 minus x. तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम x वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड इकट्ठा कर लेते हैं. 2x एज इट इज़, ये माइनस x इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स को राइट हैंड साइड इकट्ठा कर लेंगे. 26 बाई 3 माइनस 5 बाई 3. सो लेफ्ट हैंड साइड आ गया 3x इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 21 बाई 3. सो कैंसिलेशन करेंगे 3 7 से 21, 3x इज इक्वल टू 7. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 7 अपॉन 3. सो दिस इज x. अब हम इसका और पार्ट करते हैं. और पार्ट में भी सॉल्व करनी है इक्वेशन, मींस हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो इक्वेशन है, सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे. 4 इंटू 2x 8x प्लस 4 इंटू 1 4 इज इक्वल टू 3 इंटू x 3x माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 8. अब x वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड इकट्ठा कर लेते हैं. 8x ये प्लस 3x इधर ट्रांसपोज होगा तो माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 8 माइनस 4. तो 8x माइनस 3x 5x इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 7 प्लस 8 1. सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 5. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग आउट अ नॉन ब्लैक बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 12 रेड 20 ब्लैक एंड 18 ब्लू बॉल्स. तो एक बैग में 12 रेड बॉल्स हैं एंड 20 हैं ब्लैक बॉल्स एंड 18 ब्लू बॉल्स, और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नॉन ब्लैक बॉल की. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, अब बैग में टोटल बॉल्स कितनी हैं, 12 रेड हैं 20 ब्लैक 18 ब्लू, मीन्स 12 प्लस 20 प्लस 18 टोटल करेंगे तो 50. मतलब जब हम इसमें से बॉल निकालेंगे रैंडमली तो इन 50 बॉल्स में से कोई भी बॉल आ सकती है हाथ में. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं 50. अब देखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. अब इसने प्रोबेबिलिटी पूछी है नॉन ब्लैक बॉल. नॉन ब्लैक मीन्स उसमें रेड आ जाएगी और ब्लू आएगी. ठीक है, अब रेड है 12 एंड ब्लू है 18, तो ये कितनी हो जाएंगी, 30. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 30. सो यहाँ से कैंसिलेशन की तो प्रोबेबिलिटी आ गई 3 अपॉन 5. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग. तो हमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर देखना है इन तीनों टर्म्स में से. ठीक है, सबसे पहले हम नंबर की बात करते हैं. यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ है 3, तो इनमें कॉमन क्या आया, 3 आ गया. अब यहाँ x स्क्वायर, यहाँ पे x और यहाँ x रेस टू पावर 4, तो यहाँ से x कॉमन आ गया. यहाँ y स्क्वायर, y क्यूब, y रेस टू पावर 4, तो यहाँ पे आ गया y स्क्वायर. तो ये है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. अब इसका और पार्ट, फैक्टराइज 10x स्क्वायर प्लस 12x क्यूब प्लस 16x रेस टू द पावर 5. अब फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन है या नहीं. ठीक है, हमारे पास एक्सप्रेशन है 10x स्क्वायर प्लस 12x क्यूब प्लस 16x रेस टू द पावर 5. अब तीनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, 2x स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा, इसकी जगह बचा 5 प्लस 6x प्लस 8x क्यूब. तो ये होगी फैक्टराइजेशन कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड 97 होल स्क्वायर. तो 97 स्क्वायर हमें फाइंड करना है यूजिंग आइडेंटिटी. तो 97 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 3 लिख सकते हैं. ठीक है, अब 97 होल स्क्वायर है तो
इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया। अब ये कौन सी आइडेंटिटी बनी, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की जगह है 100 और बी की जगह है 3। तो ए स्क्वायर कितना होगा, 100 स्क्वायर माइनस टू ए बी मीन्स 2 × 100 × 3 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 10,000 माइनस 600 प्लस 9। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आएगा 9409। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5। मल्टीप्लीकेशन करनी है तो सबसे पहले एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस 5 माइनस 5x, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x एंड माइनस 3 इंटू माइनस 5 प्लस 15। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x दैट इज माइनस 8x प्लस 50। तो ये है फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फैक्टराइज 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। अब इसे फैक्टराइज करना है, दो ही टर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखते हैं क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग सकती है। अब फर्स्ट टर्म को अगर देखें, ये है 4a स्क्वायर, तो 4 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का, ठीक है। और ए स्क्वायर है ए का स्क्वायर, तो इस पूरी टर्म को हम लिख सकते हैं 2a होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस 9 को हम किसका स्क्वायर लिखें, 3 का, और b स्क्वायर को b का, तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं 3b होल स्क्वायर। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये बन जाएगा 2a प्लस 3b इंटू 2a माइनस 3b। सेवेंथ क्वेश्चन, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7। अब इस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले तो हम यही चेक करते हैं कि तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन है या नहीं, बट इसमें हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिला और ग्रुपिंग करके भी कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आइडेंटिटी पे चलते हैं, देन मिडल टर्म स्प्लिट। तो इसमें हम मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, मीन्स हमें दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट करें तो माइनस 7 आए, और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करें तो माइनस 6 आए। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे, अगर एक ले लें 1 एंड सेकेंड माइनस 7, तो 1 इंटू माइनस 7 माइनस 7, और 1 में माइनस 7 ऐड करेंगे तो माइनस 6। तो हमें दो नंबर्स मिल गए जिसमें हमें इस मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस माइनस 6 को कैसे लिखेंगे, 1 माइनस 7 साथ में एक्स माइनस 7 एज इट इज, ब्रैकेट ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर ये बना प्लस एक्स माइनस 7x माइनस 7। अब इसका ग्रुप बनाएंगे और इन दो टर्म्स का ग्रुप बना लेते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन है, x, तो अंदर बचा x प्लस 1। इस ग्रुप में क्या कॉमन है, माइनस 7, तो अंदर बचा x प्लस 1, ठीक है। अब ये दो टर्म्स बन गई, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x प्लस 1, तो अंदर बच गया x माइनस 7। तो ये बन गए हमारे फैक्टर्स। एट्थ क्वेश्चन, फाइंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विथ एन एज ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है, 4l स्क्वायर, तो 4 इंटू एल स्क्वायर, एच भी हमें दे दी मीन्स 6 स्क्वायर, तो 4 इंटू 36, तो ये आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाइन्थ क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 1/2 रेज टू द पावर माइनस 3। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, पावर को पॉजिटिव बनाते हैं। अब पावर पॉजिटिव बनाने के लिए बेस का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 2/1 दैट इज 2 रेज टू द पावर 3, और 2 रेज टू पावर 3 क्या होता है, 8। सिंप्लीफाई करके आंसर आया 8।
Now, section 2, case study based questions. So, 10th question. Geeta planned to make a jewelry box to gift her friend Sita on her birthday. She made the jewelry box of wood in the shape of a cuboid. The jewelry box has dimensions as shown in the figure below. The rate of painting the exterior of the box is rupees 2 per square centimeter. After making the box, she took help from his friends to decorate the box. The blue color was painted by Deepak, black color by Pradeep, green color by Akash, and yellow color was painted by Utsav. So, first question is, what is the volume of the box? So, we have to find the volume of the box. Okay, a volume. Volume of box means volume of cuboid. A volume hoti hai. Length into breadth into height. A length cuboid ki hume given hai 30. Into breadth pata hai 40. Into ye height bhi hume pata hai, that is 20. So inhe jab multiply karenge ye aa jayega 24,000 centimeter cube. So option A is correct option. Second, how much area did Pradeep paint? Ab Pradeep ne kitna area paint kiya? Sabse pehle hum ye dekhte hain ki Pradeep ne kis color se paint kiya. To yahan pe hame bataya hai black color by Pradeep. Ab black color kahan pe hai? Is surface pe. Theek hai? Means hame is surface ka area batana hai. To iska area kya hoga? 40 into 20. ठीक है, तो 40 into 20 is 800 centimeter square. So option C is correct option. Next question, how much area did Deepak paint? तो सबसे पहले देखते हैं दीपक ने blue color से paint किया है, और blue color कहाँ पे? ये top surface. ठीक है, top surface है, तो मतलब इसका हमें area find करना है. इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. अब ये लेंथ कितनी है? 30. और ये जो ब्रेड्थ है ये कितनी है? 40. तो इसका एरिया क्या हो गया? 30 इनटू 40, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ठीक है, तो ये आ जाएगा 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. देन फोर्थ, व्हाट अमाउंट डिड आकाश चार्ज? अब आकाश ने कितना चार्ज किया? तो उसके लिए पहले हम ये देखते हैं कि आकाश ने कितना एरिया पेंट किया. ठीक है, अब आकाश ने ग्रीन कलर से पेंट किया. ग्रीन कलर कहाँ हुआ है? ग्रीन कलर हुआ है ये साइड, इस साइड. ठीक है, ये वाला सरफेस. तो इसका एरिया पहले फाइंड करते हैं. अब इसका एरिया कितना होगा? जितना इसके सामने वाले सरफेस का एरिया था. ये दोनों सेम है. ठीक है, तो इसका था 800, तो इसका भी एरिया आया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब चार्जेस देखने हैं, तो चार्जेस बताए हुए हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के चार्जेस हैं 2 रुपीस. तो 800 को पेंट करने के चार्जेस कितने होंगे? 800 इनटू 2, दैट इज रुपीस 1600. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स. अब लेटरल सरफेस एरिया बॉक्स का क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का? 2h इनटू l प्लस p. अब इसमें हमें सारी वैल्यूज पता ही है. 2 इनटू हाइट थी 20, लेंथ है 30, प्लस ब्रेथ इज 40. तो ये आ जाएगा 40 इनटू 70, ये आ गया 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ऑप्शन A is correct option. 11th question. The given graph shows the flight of an aeroplane. So, ये graph हमें given है, ठीक है? X-axis पे दिया हुआ है time in minutes and Y-axis पे है meters above the ground. So, first question. What is the scale taken on Y-axis? Y-axis का scale क्या है? अब यहाँ पे गैप है 100 का. ठीक है, तो y एक्सिस पे स्केल क्या हुआ? 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 मीटर. सो ये है ऑप्शन बी.
Now, second question, maximum up to what height the aeroplane rises? Maximum height कितनी है एरोप्लेन की? तो कहाँ तक गया ये? ये गया है, देखो मैक्सिमम हाइट है यहाँ पे, ठीक है, कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1000 meters, तो 1000 meters तक की हाइट तक गया ये. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डिड द होल फ्लाइट टेक? पूरी फ्लाइट को कितना टाइम लगा? सो यहाँ पे टाइम देखें तो ये स्टार्ट हो रहा है 0 से स्टार्ट करके ये जा रहा है 130 तक. सो टोटल टाइम कितना लगा? 130 मिनट्स. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, एट 50 मिनट्स व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द एरोप्लेन? अब 50 मिनट्स पे हाइट देखनी है, 50 है यहाँ पे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कितनी है? 1000, ठीक है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. नाउ फिफ्थ पार्ट, हाउ लॉन्ग वॉज द प्लेन इन लेवल फ्लाइट? तो कितने टाइम तक वो एक ही लेवल पे रहा? अब एक ही लेवल पे ये रहा ना, एक ही लेवल पे है, ठीक है, कितने टाइम तक? अब यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम टाइम देखें तो यहाँ है 10 मिनट्स, ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम टाइम देखते हैं तो दिस इज़ 50 मिनट्स. तो कितने टाइम तक ये एक ही लेवल पे रहा? 40 मिनट्स तक, ठीक है, 50 माइनस 10 40 मिनट्स. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन. पार्ट बी, 12th क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 80 एंड देयर रेशियो इज 3:5. फाइंड द नंबर्स. नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, ठीक है, उन दो नंबर्स का सम दे दिया 80 है और उनकी रेशियो है 3:5. तो सपोज कर लेते हैं एक नंबर है 3x एंड सेकेंड नंबर इज 5x. अब इन दोनों का सम क्या है? 80, ठीक है. इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, 8x इज इक्वल टू 80, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10. एक्स 10 आ गया तो हमें नंबर्स मिल गए. फर्स्ट नंबर हमने सपोज किया था 3x, मीन्स 3 × 10 30, और सेकेंड नंबर हमने सपोज किया था 5x, सो 5 × 10 50. 13th क्वेश्चन, ऐड दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन. अब इन्हें ऐड करना है तो हम पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं, 4x² माइनस 7xy प्लस 4y² माइनस 3. अब इसके नीचे हम इस सेकेंड एक्सप्रेशन को लिखते हैं, तो सबसे पहले 5 आएगा कांस्टेंट के नीचे, देन 6y², ये y स्क्वायर वाली टर्म के नीचे आ गया, देन माइनस 8xy यहाँ पे, प्लस x² यहाँ पे, ठीक है. अब इनकी एडिशन करनी है तो 4x² प्लस x² 5x² माइनस 7xy माइनस 8xy दैट इज माइनस 15xy, देन 4y² प्लस 6y² 10y², देन माइनस 3 प्लस 5 2. तो एडिशन करके आंसर आया ये. नाउ 14th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट माइनस 4 रेज टू द पावर m प्लस 1 इंटू माइनस 4 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू माइनस 64. अब यहाँ पे हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड देखें तो यहाँ पे बेस माइनस 4 है, यहाँ पे बेस माइनस 4 है, तो राइट हैंड साइड में माइनस 64 है, इसका बेस भी माइनस 4 बना लें, ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ रखते हैं, इंटू माइनस 4² इज इक्वल टू माइनस 64 को इन टर्म्स ऑफ माइनस 4 कैसे लिखें? माइनस 4 होल क्यूब, ठीक है, माइनस 64 आएगा. अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड. तो बेस माइनस 4, पावर्स ऐड होंगी m प्लस 1 प्लस 2 दैट इज m प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 4 रेज टू द पावर 3. अब यहाँ पे बेसिस सेम है, ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल हैं, तो पावर्स भी क्या होंगी? इक्वल. सो m प्लस 3 इज इक्वल टू 3, यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 3 दैट इज 0. सो m आ गया 0. अब इसका और पार्ट, सिंप्लीफाई 1/2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3/4 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 5/2 रेज टू द पावर 3. अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले 1³ ये है 2³, मतलब 1/2 होल क्यूब है, इसका मतलब ये 1 का क्यूब
और 2 का भी क्यूब होगा, ठीक है, इनटू ये हो गया 3 रेज टू पावर 2, लिख दिया। अब 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया 2 स्क्वायर, अब इसकी पावर भी 2 थी तो इसकी पावर 2, डिवाइडेड बाय ये हो गया 5 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 रेज टू पावर 3। अब आगे 1 क्यूब तो 1 ही होगा, ठीक है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, तो 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 3 इनटू 3 रेज टू पावर 2 अपॉन 2 रेज टू पावर 4। अब इसे ऐसा करते हैं, डिवाइडेड डिवाइड को इनटू में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई किया तो अगले नंबर का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3 अपॉन 5 रेज टू पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, और 2 रेज टू पावर 3 से 2 रेज टू पावर 3 हो गया कैंसल, और नीचे क्या बचा, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो पूरा सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे 3 रेज टू पावर 2, ये हो जाएगा 9, ठीक है, 2 रेज टू पावर 4 ये हो जाएगा 16 इंटू, और 5 रेज टू द पावर 3 ये हो जाएगा हमारे पास 125। अब इसकी हम आगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो गया 9 अपॉन, और ये आंसर आएगा 1125, ठीक है। सो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आया 9 अपॉन 1125। 15th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 2x+3 होल स्क्वायर - 2x - 3 होल स्क्वायर। तो इसे सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म को देखिए, यहाँ क्या बन रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसे ओपन कर देते हैं, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab + b², ठीक है। तो यहाँ पे 2x+3 होल स्क्वायर मतलब 2x होल स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 × 2x × 3 प्लस b² मीन्स 3² माइनस, अब माइनस है तो अगला एक्सप्रेशन ब्रैकेट में रखेंगे, ये बन रहा है a - b होल स्क्वायर, तो a - b होल स्क्वायर क्या होगा, a² - 2ab + b², तो ये हो गया 2x होल स्क्वायर - 2 × 2x × 3 + 3². अब इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 2x² मीन्स 4x² प्लस ही आ जाएगा 12x + 9 माइनस, अब ये बनेगा अंदर ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये बनेगा अंदर +4x² और ब्रैकेट के बाहर आएगा तो -4x², अब ये टर्म बनी -12x, ब्रैकेट के बाहर आया तो +12x, ये बना प्लस का 9, ब्रैकेट के बाहर आएगा तो -9। अब कैंसिलेशन कर देते हैं, 4x² से 4x -4x² कैंसिल, +9 - 9, तो 12x + 10x = 24x, तो ये आ गया सिंप्लीफाई करके आंसर। इसका और पार्ट सिंप्लीफाई, 4x + 3y² - 48xy, तो यहाँ पे भी a + b होल स्क्वायर लग रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x होल स्क्वायर + 2 × 4x × 3y + 3y होल स्क्वायर - 48xy एज इट इज। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 4x होल स्क्वायर मीन्स 16x² प्लस, इसे मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 24yx प्लस यहाँ पे 9y² - 48xy, देन 16x² एज इट इज, अब 24xy - 48xy ये हो जाएगा -24xy और +9y² एज इट इज, तो ये आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद। 16th क्वेश्चन, फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन 2a³ + a² - 5a + 3 इज डिवाइडेड बाय a - 3।
तो अब इसे डिवाइड करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि a को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 2a³ बने, तो 2a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a³ बना। अब -3 को भी 2a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -6a². अब सब्ट्रैक्शन करनी है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये कैंसिल हुआ तो +a² +6a² दैट इज 7a² अगली टर्म को उतारा नीचे, ठीक है। अब देखना है कि a को किससे मल्टीप्लाई करें कि 7a² बने, a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7a से, तो ये आ जाएगा 7a². अब -3 को भी 7a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -21a। अब सब्ट्रैक्शन करनी है तो साइन चेंज, ये हो गया कैंसिल। अब -5a +21a ये हो गया 16a। अगली टर्म को उतारा नीचे, अब देखना है a को किससे मल्टीप्लाई करें कि 16a बने, तो किससे करेंगे 16 से, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 16a, और -3 को भी 16 से करेंगे तो ये बनेगा -48। अब सब्ट्रैक्शन करनी है तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये कैंसिल हुआ, +3 +48 दैट इज 51। सो क्वोशेंट इज 2a² +7a +16 एंड रिमाइंडर इज 51। 17th क्वेश्चन, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 12। इफ द न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 54, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, मतलब टू डिजिट नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो टू डिजिट नंबर कैसा होगा, वंस प्लेस पे कुछ होगा, टेंस प्लेस पे कुछ होगा, ठीक है। अब हमें तो पता नहीं वंस प्लेस पे क्या है और टेंस प्लेस पे क्या है, तो सपोज कर लेते हैं वंस प्लेस पे है एक्स, तो टेंस प्लेस पे क्या होगा। उसने क्या बोला है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 12, मतलब इन दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 12 है। अब अगर एक नंबर है, एक डिजिट एक्स है, तो दूसरी क्या होगी, 12 -x, ठीक है। तो अब हम यहाँ से नंबर बनाते हैं, ओरिजिनल नंबर, नंबर कैसे बनेगा, इसके एक्सपेंडेड फॉर्म लिख के। अब टेंस प्लेस पे है 12 -x, तो ये हो जाएगा 10 × 12 - x, और वंस प्लेस पे x तो 1 × x, तो ये बनेगा 120 - 10x + x, ये आ गया 120 - 9x, ये बना ओरिजिनल नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं रिवर्स नंबर की, क्योंकि उसने क्या बोला, इफ द न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, अब हम डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे, मतलब अब टेंस प्लेस पे हो जाएगा एक्स और वंस प्लेस पे होगा 12 - x। अब यहाँ से रिवर्स नंबर बनाते हैं तो ये क्या होगा, टेंस प्लेस पे एक्स है मीन्स 10 × x प्लस वंस प्लेस पे 12 - x है तो 12 - x, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 9x + 12। तो हमने ओरिजिनल नंबर भी बना लिया, रिवर्स नंबर भी बना लिया। अब हमें फाइंड करना ओरिजिनल नंबर, मीन्स यहाँ पे अगर हमें x की वैल्यू मिल गई तो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x में इक्वेशन सेटअप करनी होगी। अब इक्वेशन कैसे बनाएं, इक्वेशन के लिए इस लाइन को पढ़ते हैं, इफ द न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो न्यू नंबर की बात कर रहे हैं, मतलब रिवर्स नंबर की, तो इसे लिखा पहले, इज मीन्स इक्वल टू ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 54, ओरिजिनल नंबर से 54 ज़्यादा है, तो ओरिजिनल नंबर क्या है, 120 - 9x, इससे 54 ज़्यादा मीन्स +54, ठीक है। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 9, x 9 आया। अब x की वैल्यू इस ओरिजिनल नंबर में पुट कर देते हैं, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 120 - 9 × 9, सो 120 - 81 दैट इज 39, तो ओरिजिनल नंबर आया 39। नाउ 18th क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी 5 cm, बी सी 5.6 cm, CD 4.8 cm, DA 4.6 cm एंड BD 5.8 cm। तो कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम रफ स्केच ड्रॉ करेंगे, ABCD, AB 5 cm, BC 5.6 cm, CD 4.8 cm एंड DA 4.6 cm एंड BD इज 5.8 सेंटीमीटर।
तो अब कंस्ट्रक्शन करनी है। सबसे पहले तो हम कोई भी नीचे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज सबसे पहले हमने ए बी ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ए बी ड्रॉ करेंगे स्केल से 5 सेंटीमीटर। देन अब ए से डी का डिस्टेंस है 4.6, तो हम कंपास को लेंगे 4.6 सेंटीमीटर रेडियस की, टिप रखेंगे ए पे और आर्क लगा देंगे, ठीक है। देन बी से लेके डी का डिस्टेंस है 5.8। अब हम कंपास खोलेंगे 5.8 सेंटीमीटर की, बी पे रखेंगे कंपास की टिप और आर्क लगा देंगे, ठीक है। अब कर देना इसे ज्वाइन। ये है पॉइंट डी। अब आता है सी पॉइंट। सी पॉइंट देखना है, तो बी से लेके सी का डिस्टेंस है 5.6 सेंटीमीटर, तो कंपास को खोलेंगे 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। बी पे रखेंगे कंपास की टिप और आर्क लगा देंगे। उसके बाद डी से लेके सी तक का डिस्टेंस है 4.8 सेंटीमीटर, तो 4.8 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे और इस डी पे रखेंगे कंपास की टिप और आर्क लगा देंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट जो मिलेगा ये है सी। अब इसे हम कर देंगे ज्वाइन। तो यहाँ पे बाकी मेजरमेंट्स भी हमें लिखनी है। 5.8, 5.6, 4.8, 4.6, ए बी सी डी। सो दिस इज़ आर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। 19th क्वेश्चन, ड्रॉ हिस्टोग्राम यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन। तो क्लास इंटरवल्स दिए हैं और हर एक क्लास इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी फ्रिक्वेंसी दी है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। अब एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल्स लिखनी है, तो क्लास इंटरवल स्टार्ट है 25 से, 25 to 30, 32, 35, 35 to 40। सभी क्लास इंटरवल्स को देखें तो 5-5 का गैप है, ठीक है। बट अगर 0 से 25 की बात करें तो उसमें 5 का गैप नहीं है। तो एक्स एक्सिस पे बनेगा किंक, एक्स एक्सिस पे बनेगा किंक, और ये है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब बनाते हैं, यहाँ 25 से स्टार्ट करेंगे, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी वाई एक्सिस पे। तो फ्रीक्वेंसी के लिए देखें तो यहाँ पे नंबर्स हैं 4, 4, 9, 13, 6, 4। तो यहाँ पे कैसा करते हैं, 2, 2 का गैप ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये थी वाई एक्सिस, ये थी एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखे क्लास इंटरवल्स और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। अब बार्स बनाना शुरू करते हैं। 25 to 30 है 4, तो 25 to 30 जाएंगे 4 तक। देन 30 to 35 भी 4 ही है, तो ये गया 4 तक। देन 35 to 40, 9, 9 तक जाना है। 9 कहाँ पे होगा, 8 और 10 के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। तो ये गया ऐसे से ये आ गया। देन 40 to 45, 13, 13 होगा 12 और 14 के बीच में, तो ये गया यहाँ तक, ठीक है। देन 45 to 50, 6, 6 यहाँ पे है, तो ये आ गया। देन 50 to 55, 4, 4 ये, ठीक है। ये बना हिस्टोग्राम। अब हम स्केल लिखेंगे। तो स्केल के लिए एक्स एक्सिस की अगर बात करें, एक्स एक्सिस पे है 1 यूनिट इज इक्वल टू 5, और वाई एक्सिस की बात करें तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो ये है हिस्टोग्राम। देन नेक्स्ट पार्ट, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ईच ऑफ 52 कार्ड्स बीइंग इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस।
तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। अब टोटल कार्ड्स हैं 52। अब हम रैंडमली कोई भी कार्ड अगर पिक करते हैं तो इन 52 कार्ड्स में से कोई भी कार्ड आ सकता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो हैं 52। अब न्यूमरेटर में देखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है एस की, ठीक है। तो एस कितने होंगे? स्पेड्स की बात करें तो इसमें एक एस मिलेगा, ठीक है। क्लब्स में एक एस होगा, डायमंड्स में एक एस होगा और हार्ट्स में एक एस होगा। तो टोटल एस है 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4। अब इसकी कैंसिलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/13। सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन रेड जैक। अब रेड जैक की प्रोबेबिलिटी बतानी है। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो वही है 52। अब देखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब रेड जैक चाहिए, रेड जैक किस में होंगे? रेड कार्ड कौन कौन से होते हैं? डायमंड्स एंड हार्ट्स, ठीक है। अब इसमें एक जैक होगा, इसमें एक जैक होगा, है ना। तो टोटल रेड जैक कितने हुए? 2। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2। इसकी जब कैंसिलेशन करेंगे ये होगा 1/26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड जैक इज 1/26। सो दिस वॉज द एंड ऑफ डिस्कशन। थैंक यू।